हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडिबेस क्लासेस। आज बच्चों हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। जो खाना हम खाते हैं उस खाने के साथ क्या क्या हमारे शरीर में जाके प्रोसेस होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, ये चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो या ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में खाने की जरूरत होती है ताकि उस फूड को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जा सके और उस एनर्जी को बॉडी के अलग अलग लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो सबसे बेसिक नीड अपार्ट फ्रॉम वाटर, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, फूड होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फूड के बिना बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और एनर्जी के एब्सेंस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं कर पाएगी कोई भी बॉडी फंक्शंस। इसलिए जो फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो फूड कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी में फूड पर प्रोसेस एक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको बॉडी एक्सेप्टेबल, यानी जो पिज्जा की स्लाइस आपने खाया है उस स्लाइस को एज इट इज तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उस फूड में, तो उसको सिंपलर वर्जन में कन्वर्ट करके बॉडी न्यूट्रिएंट्स उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दिस इज हाउ द फूड डाइजेस्ट एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड विद द हेल्प ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? तो देखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और यही सिंगल सेल जो वेरियस लाइफ प्रोसेस हैं या जो वेरियस एक्टिविटीज होती हैं बॉडी में उन सब को परफॉर्म करता है। ठीक है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो कोई भी लाइफ प्रोसेस हो, वो सारे लाइफ प्रोसेस वही सिंगल सेल ने परफॉर्म करने। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बच्चों हम सब जानते हैं सेल्स के ग्रुप से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से पूरा ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। और एक ऑर्गेनिज्म में देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा होता है। मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है, अलग ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, अलग ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, उसमें भी अलग अलग अपने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन्स मिला के बनाते हैं। तो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स भी एक या दो या कुछ सिलेक्टेड नहीं होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स मिला के उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिनमें से एक लाइफ प्रोसेस है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये फाइव बेसिक स्टेप्स इंक्लूड होती है। और इन पांच बेसिक स्टेप्स में पहला स्टेप होता है इंजेशन। कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इंजेशन सिर्फ प्लेट में खाना है, आपने खाना उठाया मुंह में लिया, इस पूरे प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। मतलब द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। जैसे ही इंजेशन प्रोसेस हुआ उसके बाद फूड जब माउथ में टीथ एक्ट करेंगे, कटिंग करेंगे, बाइटिंग करेंगे फूड पार्टिकल्स को, चर्निंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे विद सलाइवा, तो यही प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव या डाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हमारे फूड की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है और यही फूड का फिजिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन अभी नहीं होगा, केमिकल डाइजेशन होगा कब, जब उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ फिजिकल डाइजेशन हो रहा है माउथ में। तो माउथ में यानी उस प्लेस को हम बोलते हैं डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, बकल कैविटी से। कहां से स्टूडेंट्स, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी से हमारा जो फिजिकल डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। क्लियर? डाइजेशन के बाद सपोज हमारा पूरा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा इन्वॉल्व होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो खाना हमने खाया है उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट कर करके, एंजाइम्स ने उस पर एक्ट कर करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उस डाइजेस्टेड फूड में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और भी बहुत सारे मिनरल्स
और विटामिंस और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, और इन सबको बॉडी ने क्या करना है, उस फूड में से एब्जॉर्ब करना है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है स्टूडेंट? द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड से एंटर हो जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स आर कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफर होगा न्यूट्रिएंट्स का ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में। फिर हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप, एसिमिलेशन। बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस या डाइजेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है ये जो न्यूट्रिएंट्स अभी एब्जॉर्ब हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग साइट्स पर रिक्वायरमेंट है, और उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और उस रिस्पेक्टिव साइट पर जब वो न्यूट्रिएंट यूटिलाइज हो जाएगा तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। सपोज फिंगर में चोट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ के सेल्स टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, तो इन डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए हमें कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी बच्चों? प्रोटीन्स की, है ना। बेसिकली किसकी जरूरत होगी? प्रोटीन्स की। तो एब्जॉर्प्शन के दौरान जब ये प्रोटीन हमारी ब्लड स्ट्रीम में या हमारे ब्लड में एंटर हो गया है तो ब्लड इस प्रोटीन को इस रिस्पेक्टिव साइट तक पहुंचा देगा, और यहाँ जो डैमेज्ड सेल्स और टिश्यूज हैं इस प्रोटीन को यूटिलाइज करके रीग्रोथ कर जाएंगे, एंड दिस इज हाउ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। आफ्टर एसिमिलेशन बच्चों लास्ट स्टेप इज एजेशन, इसको हम लोग एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट है, दैट पार्ट ऑफ द फूड विल एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, उसमें से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो ये जो सेमी सॉलिड फूड था नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड फूड, और इसके बाद क्या होगा, दिस सॉलिड फूड विल स्टोर इन द रेक्टम एंड आफ्टर ए कंसिडरेबल टाइम इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज हाउ द इजेशन और द एक्सक्रीशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। बेसिकली इसमें उन सब्सटेंसेस को, फूड के उन सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकाला जाता है जिसकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे डाइजेशन के 5 स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं स्टेप्स के बारे में हम और डिटेल्स में जानेंगे कि कौन कौन सी जगह हमारे शरीर में क्या क्या एक्टिविटी होती है। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल